नमीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया और यहाँ पर नमीबिया के जो बल्लेबाज थे जेजे स्मिथ, उनकी अच्छी प्रदर्शन रहा बल्ले के साथ। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, हाईएस्ट इंपैक्ट तो गेंद के साथ ही हुआ और उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है ड्रीम बिग चैंपियन ऑफ द डे, पावर्ड बाय ड्रीम इलेवन। और हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़ जाते हैं दीप दास गुप्ता। दीप, ट्रम्पलमैन 3 विकेट लेते हैं, 17 रन देते हैं अपने 4 ओवर में। सबसे घातक चीज उनकी गेंदबाजी के बारे में लग रही थी, दोनों तरफ कभी गेंद अंदर ला रहे हैं कभी बाहर लेके जा रहे हैं। क्या बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और जो खास बात लगी कि उनके पास वो कंट्रोल है, स्विंग कराने की काबिलियत तो है लेकिन कंट्रोल करने की भी जो है वो शैली उनके पास मौजूद है। अगर आप पहला विकेट देखे, चलिए वो इनसाइड एज लग के स्टंप्स पे लग गया, लेकिन उसके बाद के जो 2 विकेट है, एक गेंद जो था वो बाहर की तरफ निकला एंगल के साथ, जहां पे दिखाया गेंदबाज बल्लेबाज को कि मैं स्विंग करा सकता हूं लेकिन फिर भी एंगल के साथ, और फिर अगला गेंद जो है जो सेकंड थर्ड विकेट जो उन्होंने लिया वो फिर पड़ने के बाद अंदर आई गेंद, स्विंग हुआ थोड़ा अंदर की तरफ, तो उनके पास वो काबिलियत जरूर है स्विंग कराने की, लेकिन कंट्रोल बहुत जरूरी चीज है, वो भी उनके पास। मैं उनका वो देख रहा था, वो ग्राफिक आता है जब एक गेंदबाज को डिस्क्राइब करते हैं तो लेफ्ट आर्म फास्ट था, लेफ्ट आर्म फास्ट ना भी हो लेकिन फास्ट मीडियम तो जरूर थे, रफ्तार काफी थी। रफ्तार 135 136 के करीब कर रहे थे, और देखिए 135 36 के ऊपर अगर स्विंग होने लग जाए गेंद, और वो भी बाएं हाथ के जब गेंदबाज हो और दाएं हाथ के बल्लेबाज हो, तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है साहब, चाहे वो जितने भी बड़े प्लेयर हो। हमने रोहित विराट को फंसते हुए देखा है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के आगे, तो बाकी लोग तो खैर आदमी। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ड्रीम बिग चैंपियन ऑफ द डे, पावर्ड बाय ड्रीम इलेवन।